वेलकम टू लेटेस्ट टेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप किसी भी मूवी स्टार फोन की या फॉर पी लॉक या फिर गूगल लॉक बाईपास कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं, मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना अगर आपके फ़ोन में नेट वाली सिम नहीं है। तो मेरे फ़ोन में इंटरनेट वाली सिम है, मैंने यहाँ पे यूज़ मोबाइल डेटा करके नेक्स्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं सेटअप न्यू फ़ोन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सेटअप न्यू फ़ोन कर दिया और यहाँ पे ये ईमेल, यहाँ पे फ़ोन पासवर्ड मांग रहा है, पिन मांग रहा है जो फ़ोन में पहले लगा था हार्ड रिसेट करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे नीचे गूगल दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ आपको, इन दोनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए तभी आप फ़ोन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आपको तरीका मैं बताऊँगा कि आपने कैसे ओपन करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी मांग रहा है, दोनों भूल चुकी हैं आपको, तो मैं बताऊँगा आप इसे कैसे इजिली बाईपास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके बताइएगा। बिना स्किप पूरा देखिएगा, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। ओके, आपने इमरजेंसी पे क्लिक करना और टॉप पे आपको यहाँ पे इमरजेंसी का ऐड दिखाएगा, आपने इस पर डबल क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो है वो इमरजेंसी का एक कॉन्टैक्ट ऐड के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपने ऐड कॉन्टैक्ट करना है। सबसे पहले ऐड कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद आपने जो सिम लगाई है उसमें कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सिम लगा सकते हैं, नेटवर्क आता हो और नहीं आता हो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट शो करेगा सिम में, अगर नहीं है तो आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी शो कर रहा है इसलिए न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपने भी ऐसे ही एक कॉन्टैक्ट कोई भी सिलेक्ट करना। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपने इस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना और ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज का लोगो बना हुआ, आपने इस मैसेज के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब मैसेज के लोगो पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपका मैसेज बॉक्स खुलेगा यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आप टाइप कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर टाइप करना, उसके बाद आपको यहाँ पर इस नंबर पर क्लिक करना जो आपने ये नंबर टाइप किया यहाँ पर। दोस्तों इस नंबर पर आपने क्लिक करना, यहाँ पर आप देखिए मैं नंबर पर क्लिक किया और यहाँ पे जो फ़ोन का कीपैड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने जो जब कीपैड ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे डायल करना *#, देन अगेन *#, ओके *#*#, 4636 *#*#। ओके, जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी कुछ सेटअप के लिए। और आपने यहाँ पे यूज स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टॉप पे आपको एक बैक का एरो दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में बैक का एरो। ठीक है, वो आपने इस बैक के एरो पे क्लिक करना और उसके बाद आप सीधा फ़ोन की सेटिंग में पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, तो सेटिंग में जब आप पहुँच जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों, एक बार मैं फिर बता दूँ, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप इजिली FRP लॉक बाईपास कर लेंगे। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बट आ सकती है कोई भी प्रॉब्लम, आप FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाएंगे। तो लेंथ ही ज़रूर है बट इजली इसे पूरा देखिएगा। ओके गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन की सिक्योरिटी में चले जाना है। ठीक है, फ़ोन की सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस एडमिन ऐप, ठीक है, मेरी ऑलरेडी डिसेबल थी, मैंने इनेबल करके वापस इसे इनेबल किया। ओके, आपकी एक्टिव होगी, आपने इसे सबसे पहले डीएक्टिव करना है। ओके, अब जब इसे डीएक्टिव कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने चल जाना है ऐप्स में चल जाना है। ठीक है, आप फ़ोन की सेटिंग में ही आपको ऐप्स वहाँ पे देखेंगे, ऐप्स में चले जाना, सी ऑल ऐप करना है। ठीक है, सी ऑल ऐप करने के बाद उसके बाद आप फ़ोन के लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको यूट्यूब गो मिलेगा। ठीक है, आपने यूट्यूब गो पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, आपने ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में मिलेगा एडिशनल सेटिंग इन दी ऐप। ठीक है, उसके बाद आपने एडिशनल सेटिंग इन दी ऐप पे क्लिक करना और यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी सेटिंग मिलेगी अपडेट वगैरह की कुछ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अबाउट में लास्ट में जाना है। ठीक है, अबाउट में क्लिक करना, अबाउट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शो कर रहा है यूट्यूब सर्विस टर्म्स एंड सर्विस। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस। ओके दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्रोम खुल जाएगा। ठीक है, इस क्रोम को आप जैसे सेटअप करना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, आपका पूरा जो क्रोम है वो होम पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी होंगी। ओके, उसके बाद दोस्तों आप टॉप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टॉप पे क्लिक करने के बाद जो आपके URL है इसे पहले आपने काट देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने टाइप करना है crackingpathing.blogspot। ओके गाइस, यहाँ पे crackingpathing, इसके यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं जूम करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लियर। आपने स्पेलिंग यही टाइप करना है, ध्यान रखना है कुछ गलत नहीं लिखना। और ये लिखने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से आपको जूम करके दिखा दिया, उसके बाद आपने इसे सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट मिलेगी, ओके, crackingpathing जो एंड्रॉयड अनलॉकिंग, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वेबसाइट का अगर URL डायरेक्ट टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है crackingpathing.blogspot.com। ओके, यहाँ पर आपने इस वेबसाइट को देख सकते हैं मैंने ओपन किया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, आपका ब्राउज़र चेक होके यहाँ पर आपको
जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके गाइस, ऊपर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे पेजेस होम पेजेस लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजेस लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना और यहाँ पे बाईपास एपीके देख सकते हैं, बाईपास एपीके, ठीक है। आपने बाईपास एपीके, सॉरी यहाँ पे यूट्यूब खुल गया, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे बाईपास एपीके मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे बाईपास एपीके पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको यहाँ पे जो पेज है वो ओपन होके आएगा। एपीके के जो भी लिंक है सब, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब लेटेस्ट FRP अनलॉक APK यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप APX लॉन्चर देख को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं APX लॉन्चर डाउनलोड लगा देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने APX लॉन्चर पर क्लिक किया और ये मुझे मीडिया फायर पर ले गया रीडायरेक्ट करके, ठीक है। यहाँ परमिशन अलाउ करनी है, अलाउ करने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है सेव दिखाएगा, आपने इसे सेव पे क्लिक करना और प्रेस ओके कर देना, यहाँ पे डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डिपेंड करेगा आपके नेट की स्पीड पे कितनी है, उसी हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से उसी वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पेज खुले उनको आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिमोट 1 APK, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रिमोट 1 APK दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट 1 APK, आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपको एक URL शॉर्टकट ले जाएगा वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने ह्यूमन वेरीफाई करना है दोस्तों। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आगे बताऊँगा कि आप अगर इस लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहले यहीं से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आपको मैं आगे बताऊँगा कि आपने कौन सी ऐप फिर से डाउनलोड करनी है दोबारा। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आप पहले देख लीजिएगा करने कैसा है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ह्यूमन वेरीफाई करना है, नॉट रोबोट पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जो भी मांगेगा दोस्तों, कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आपको वेरीफाई नहीं मांगेगा, डायरेक्टली रोबोट पे टिक बच जाएगा। ओके, नहीं तो आपको जो भी यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मूवी स्टार के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे FRP लॉक के लिए, ठीक है। दोस्तों ये वाला तरीका, ये वाला मेथड आप किसी भी मूवी स्टार के FRP लॉक बाईपास करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ईजी, और ये न्यू ट्रिक है दोस्तों। ये जो एंड्रॉयड है वो अपडेटेड है, ओके, सिक्योरिटी पैच इसमें अपडेटेड है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको दोबारा से क्लिक करना है, अगर फिर से आपको दिखाएगा तो वेरिफिकेशन शायद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं एक बार दोबारा से कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी न्यू अपडेट का। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस करना जरूरी है, तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके गाइज, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन मांगेगा आपको अलाउ के लिए, आपने सबको ब्लॉक कर देना है, किसी को भी अलाउ नहीं करना, तो आपके लिए थोड़ी ऐसे फिर प्रॉब्लम कर सकता है, कहीं से कहीं रिडायरेक्ट करके ले जाएगा, तो इसलिए आप अलाउ नहीं कीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन पर आएगा उसे ब्लॉक कीजिएगा। ओके, आपको ये दो तीन एक दो बार प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर, जो भी आपको यहाँ पर मांगेगा ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली अब यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से होती है तो ठीक है, नहीं तो आप देखते हैं गेस्ट URL पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप इस पर आप क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आपका जो पेज है वो अब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको एक टॉप पे स्किप का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप पे जो ये देख सकते हैं कॉर्नर में, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 सेकंड वेट करना। ओके गाइज, यहाँ पे आपने स्किप पे क्लिक कर देना। जब आप स्किप पे क्लिक कर देंगे आपको फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लॉक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना, इनको पेजेस को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे रिमोट 1 APK डाउनलोड दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं बात कर रहा था, अगर आपको इस लिंक से प्रॉब्लम आएगी, आप यहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, एक्चुअली ये लिंक शॉर्ट किया हुआ, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कौन सी APK डाउनलोड करेंगे इसके लिए? तो दोस्तों इसके लिए जो लेटेस्ट टेक के नाम से APK है, रिमोट 1 को छोड़ के लेटेस्ट टेक के नाम से ऊपर APK आप देख सकते हैं, ये जो लेटेस्ट टेक के नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपको मीडिया फायर पर ले जाएगी और एक क्लिक पे आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेटेस्ट टेक APK पे क्लिक किया दोस्तों, ये सेम ही एक शॉर्ट किया हुआ, एक डायरेक्ट लिंक है, एक शॉर्ट किया हुआ, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली रिमोट 1 लेटेस्ट टेक APK जहाँ पे आपने अभी वो लिंक शॉर्ट करके
शॉर्ट किया हुआ था उसकी जो स्किप करके वहाँ से आपने डाउनलोड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डायरेक्टली दिखा दी, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके गाइस दोस्तों, उसके बाद ये डायरेक्ट लिंक है, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बार फिर आपको दिखा दी, यहाँ पे लेटेस्ट टेक के नाम से जो ए पी के आप इसने डायरेक्टली डाउनलोड, उसके बाद जो आपने डाउनलोडिंग लगाई है ठीक है, ये ए पी के थोड़ी लेंथी है, 30 MB के लगभग होगी ठीक है। आपने वेट करना है जब तक कि दोस्तों कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो जाती, जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ क्या करते हैं, क्या करना है आपको। तो दोस्तों एक बात मैं फिर से बता दूँ, अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको क्या पता दोबारा अपना फ़ोन हार्ड रिसेट करके दोबारा मेरे वाला मैथड ट्राई करना पड़ेगा पूरा। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, वीडियो को एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 मिनट के लगभग आप इजिली F4P लॉक बाईपास कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है। सबसे पहले आपने APX लॉन्चर इंस्टॉल करना है ठीक है दोस्तों, APX लॉन्चर की यहाँ पे परमिशन अलाउ करनी है और उसके बाद यहाँ पे बैक करके इसे इंस्टॉल कर देना। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, अगर आप कुछ गलत करेंगे इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे मिस कर देंगे तो आपको अपना फ़ोन दोबारा हार्ड रिसेट करना पड़ेगा और फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फ़ोन एक जगह रुक जाएगा। ओके जब इंस्टॉल हो जाएगा तब इससे आपने ओपन कर देना ठीक है। रुकने का मेरे कहने का मतलब, जब आप चेकिंग इन्फो पर जाएंगे, गूगल की ID रिस्टार्ट करके आएंगे, गूगल की ID मांगेगा, वहीं पर फ़ोन चेकिंग इन्फो पर रहेगा, आगे नहीं चलेगा। ये मैं आपको बताऊँगा कि किस वजह से प्रॉब्लम आती है आगे चल के, कि क्या आप अगर नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन चेकिंग इन्फो पे ही रहेगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल पूरा देखिएगा ठीक है, आप इजली कर देंगे ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी APX दिखाएगा लॉन्चर आपके लिए स्किप ट्रेल करके ठीक है, फ्री ट्रेल स्किप कर दीजिएगा उसको और फ्री ट्रेल पर देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटिंग मेनू खोलना, मेनू खोल के सेटिंग में चले जाना ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने चले जाना है ऐप्स में ठीक है, सी ऑल ऐप्स करना है और टॉप पे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो डिवाइस एडमिन ऐप है वो डिसेबल है आपकी, ये डिसेबल होनी चाहिए, एक्टिव नहीं होनी चाहिए ठीक है। उसके बाद आपने ऐप्स में जाना है ठीक है, सी ऑल ऐप्स कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं सी ऑल ऐप कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ऐप शो कर रहा है, सी ऑल ऐप करके टॉप पे एक 3 डॉट लाइन मिलेगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, शो सिस्टम ऐप ठीक है। शो सिस्टम ऐप करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको देखना है गूगल प्ले सर्विस ठीक है, गूगल प्ले सर्विसेज ठीक है, आपने उसे ढूंढना है और उसे डिसेबल करना है ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो गूगल प्ले सर्विस है वो यहाँ पे है ठीक है, आपने इसे डिसेबल करना है, सबसे पहले आपने इसे डिसेबल करना है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने दोस्तों इसे पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे इसे बैक कर देना है ठीक है। जब आप इसे बैक कर देंगे उसके बाद आपने चले जाना है कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों मैं इसे पहले बैक कर लेता हूँ और आपको फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बैक कर दिया ठीक है। बैक करने के बाद आपने चले जाना है सीधा मेन होम पेज में, आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसमें सीधा मैं मेन्यू भी क्रॉस कर रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपका फ़ोन स्लो होगा, तो डिपेंड करता है फ़ोन की स्पीड पे तो कैसा वर्क करना है ठीक है। आपने दोबारा से मेनू ऑल ऐप पे क्लिक करना है ठीक है, यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर ढूंढना है ठीक है, यहाँ पे आप फाइल मैनेजर ढूंढेंगे ठीक है। और आपने जो APK रिमोट वन डाउनलोड की थी ठीक है, या तो वो फ़ोन की आपको अगर मिल जाती है आसानी से यहाँ पे APK में तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैं APX लॉन्चर दिखा रहा हूँ इंस्टॉल और डाउनलोडेड ऐप में, यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट वन ठीक है। आपने इस रिमोट वन को इंस्टॉल करना है, अगर आपको यहीं पर नहीं दिख रहा तो आप ब्राउज़र ऑल फाइल करके ठीक है, इसकी परमिशन पहले मैं आपको बता देता हूँ अलाउ कर देनी है ठीक है। अलाउ करने के बाद एक बार बैक करना और फिर से इंस्टॉल कर देना ठीक है। दोस्तों नहीं मिलेगा तो आपने ब्राउज़र ऑल फोल्डर करना और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में चले जाना है, डाउनलोड के फोल्डर में आपको यहाँ पे जो रिमोट A1 APK है वो मिल जाएगा इसलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने वेट करना है जब तक इंस्टॉलेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, मैं एक और बात बता दूँगी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी जगह से फास्ट मैंने थोड़ा किया है वीडियो की स्पीड, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए, आपका फ़ोन कहीं पे थोड़ा ज़्यादा देर टाइम ले सकता है, इसलिए इसे कंपेयर नहीं कीजिएगा मेरे साथ, इसे आप अपने तरीके से जितना फ़ोन टाइम लेता है उसे लेने दीजिएगा। बस ध्यान ये रखना आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया होना चाहिए। ओके गाइज, उसके बाद आपने चले जाना है फिर से फ़ोन की सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में चले जाना ठीक है। अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड अकाउंट करना, गूगल करना है ठीक है। यहाँ पर आपने जब आप गूगल पर क्लिक कर देंगे ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना और यहाँ पे रिडायरेक्ट चेकिंग इन्फो जस्ट वेट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लगा देनी है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लगा देता हूँ और पासवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने फिर
जो मेन स्टेप है, एक जो अक्सर ये स्किप करके देखते हैं तो सोचते हैं यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो गया तो अब हमारा काम हो गया। तो ये दोस्तों, ये लास्ट वाला स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, फिर आप दोबारा फ़ोन हार्ड रिसेट करेंगे तभी आपका आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ चेकिंग इन्फो पे वेट वहीं पे रुका रहेगा रिस्टार्ट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड लगा दिया। यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको सीधा दिखा देगा ऐड अकाउंट। ठीक है, इससे जब आप एग्री कर देंगे, एग्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, चेकिंग इन्फो पे लेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे रिमोट वन एपी के स्टाफ दिखाएगा, उसके बाद ओके करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कुछ नहीं करना, यहाँ पे गूगल अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डाउट नहीं रहे तो इसलिए मैं कंप्लीट बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपने जाना फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे यही जो मेन स्टेप है, आपने गूगल प्ले सर्विस को इनेबल करना है। ठीक है, ऐप एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो डिवाइस एडमिन ऐप है ओके, उसको भी इनेबल करना, और उसके बाद जो गूगल सर्विस है उसे भी इनेबल। दोस्तों यहाँ पे आपने सिक्योरिटी में अदर्स को डिवाइस एडमिन में जाके, डिवाइस एडमिन ऐप में इसमें इसे जाके सबसे पहले एक्टिव कर लेना। ठीक है, पहले इसे ही एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी गूगल प्ले सर्विस है, ठीक है, उसके बाद आपने उसे इनेबल करना। दोस्तों इस वीडियो में एक स्टेप में और बताने वाला हूँ आगे चल के, यहाँ पर पूरा सेटअप करने के बाद दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आपने वो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो ऑल ऐप, ठीक है, टॉप पे क्लिक करेंगे शो सिस्टम ऐप। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल ऐप्स दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिसेबल गूगल प्ले सर्विस है, आपने इसे इनेबल कर देना। ठीक है, इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने डायरेक्टली अपना फ़ोन रिस्टार्ट करना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जल्दी जल्दी रिस्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा के जल्दी रिस्टार्ट होता तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पे जब आपका फ़ोन रिस्टार्ट होकर आएगा, जब आप कंप्लीट FRP बाईपास कर लेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं जल्दी रिस्टार्ट करता हूँ ओके, उसके बाद दिखाता हूँ FRP लॉक बाईपास हुआ या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूँ यार, अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है यार तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिल जाता है। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूज़ मोबाइल डेटा कर रहा हूँ, आप वाईफाई यूज़ कर लीजिएगा, अगर फ़ोन में सिम नहीं है, उसमें नेट पैक नहीं है तो आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर देना, आपको चेकिंग इन्फो पे लेगा जो भी लेना होगा। सेटअप न्यू फ़ोन करना है। ठीक है, सेटअप न्यू फ़ोन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने दिखा दिया अकाउंट एडिट। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं एग्री कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है तो उसके बाद आपका फ़ोन नेक्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लास्ट स्टेप है इसकी, मैं लास्ट स्टेप यहाँ पर मैं इसे जो है वो एडिट भी कर लेता हूँ, जल्द नेक्स्ट भी करता हूँ स्टेप भी साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बता दूँ जो आपको करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें जो इम्पॉर्टेंट है करने के बाद, ये जब आप FRP लॉक अपनी बाईपास कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको फ़ोन में जो है वो कुछ एरर्स वगैरह शो करेगा फ़ोन के, जब आप ऊपर से स्लाइड डाउन करेंगे। ठीक है, ऊपर से जब आप नीचे करेंगे वाईफाई से, वहाँ पे आपको रिमोट वन APK या कुछ भी, यहाँ पे देख सकते हैं APX लॉन्चर और वो होम लॉन्चर, जो भी आप अपने फ़ोन का सिलेक्ट करना चाहें तो आप जो मेन लॉन्चर है फ़ोन का वही सिलेक्ट कीजिएगा, APX नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तो बिना काम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको अब मिलेगा अबाउट का, या जिसमें भी रीसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा फैक्ट्री रीसेट का। ठीक है, उसमें आपको जाने के बाद फैक्ट्री रीसेट कर देना एक बार फ़ोन, तो आपका फ़ोन कम्प्लीटली FRP बाईपास बिना किसी प्रॉब्लम के